खबर वाराणसी जनपद से है, जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दौरे के पूर्व देश भर में लगातार बढ़ रही यौन हिंसा की घटनाओं से दुखी काशी के प्रेरणा कला मंच के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपनी भावनाओं को उजागर करते हुए विरोध दर्ज कराया। आशा ट्रस्ट लोक समिति सहयोग संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा विरोधी पखवाड़ा के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रेरणा कला मंच के कलाकारों ने शनिवार को सेवापुरी क्षेत्र के करधना, भरतपुरवा, लालपुर और चक्रपानपुर गांव में महिला हिंसा, लैंगिक भेदभाव पर नुक्कड़ नाटक किया। महिला हिंसा और लड़कियों की शिक्षा पर आधारित नुक्कड़ नाटक बढ़िए और बढ़ाइए व मजदूर वर्ग का दर्द के मंचन में कलाकारों के जीवंत अभिनय कर दर्शकों के दिलों को भी झकझोर कर रख दिया। इस सजीव मंचन में प्रतिष्ठात्मक समाज और सरकार पर भी करारा कटाक्ष किया गया। साथ ही विकृत मानसिकता के आम लोगों सहित जनप्रतिनिधियों की खिंचाई भी जमकर की गई। कलाकारों ने इससे निपटने के उपाय भी दर्शाए। इस दौरान घरेलू महिला हिंसा, जेंडर असमानता, यौनिक हिंसा के खिलाफ पर्चे भी बांटे। इस अवसर पर लोक समिति संयोजक नंदलाल मास्टर ने कहा, आज देश की स्थितियां आधी आबादी के रहने लायक नहीं रह गए। महिलाओं बच्चियों के साथ बलात्कार, हत्या, आत्महत्या, शोषण, यौन हिंसा की घटनाओं से संवेदनशील समाज के लोगों को स्तब्ध कर दिया है। पॉक्सो जैसे मजबूत कानून के रहते हुए भी आज औरतों, लड़कियों, बच्चियों की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी के प्रति सत्ता और प्रशासन की भूमिका में कोई बदलाव नहीं आ रहा। वक्ताओं ने कहा कि निर्भया, हाथरस, कठुआ, उन्नाव, बारपेटा, सूरत, हैदराबाद, सासाराम आदि की घटनाओं ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। कार्यक्रम में शामिल गांव की सैकड़ों महिलाओं और लड़कियों ने प्रधानमंत्री से महिला हिंसा रोकने, प्रदेश में शराबबंदी तथा लैंगिक भेदभाव को रोकने की अपील किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नंदलाल मास्टर, अजित कुमार, रंजीत, संदीप, अजय पाल, गोविंदा, शशांक द्विवेदी, विजय प्रकाश, प्रमोद पटेल, शिव कुमार, सोनू, अमित, रामबचन सोनी, अनिता, आशा, सरोज, मुकेश झंझरवाल आदि लोग शामिल हैं। वाराणसी जनपद से अजित कुमार की रिपोर्ट।